नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। लगभग 10 सालों तक टीवी पर बिग बॉस होस्ट करने के बाद सलमान खान अब ओटीटी पर डेब्यू करेंगे। 16 जून को बिग बॉस ओटीटी का प्रमोशनल इवेंट हुआ। इस मौके पर सलमान खान ने शो से जुड़ी कुछ यादें शेयर की। सलमान खान ने कहा कि इन 10 सालों में उनके पास कई लोगों के फोन आते रहते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर एक्टर्स तक उन्हें फोन कर अपने कैंडिडेट को शो में एंट्री दिलाने की बात करते हैं। सलमान खान ने कहा कि वो कभी भी शो के मेकर्स के सामने किसी का नाम नहीं रखते हैं। वजह बताते हुए सलमान खान कहते हैं कि एक बार उन्होंने मेकर्स से एक कैंडिडेट की सिफारिश की थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। उसी के बाद सलमान ने कभी किसी की सिफारिश नहीं की। सलमान खान ने बात करते हुए कहा कि बिग बॉस जब शुरू होता है तो मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स आने लगते हैं। मैं इतना इरिटेट हो जाता हूं कि फ़ोन ऑफ कर देता हूं। मेरे पास नेताओं से लेकर एक्टर्स, साथ ही कई क्षेत्रों के लोगों के फ़ोन आते हैं। वो मानते हैं कि करियर को आगे बढ़ाने के लिए बिग बॉस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसलिए शो से जुड़ना चाहते हैं। हालांकि वे ये नहीं समझते कि शो में कंटेस्टेंट का चुनाव करना मेरा काम नहीं है। ये एंडोमल बिग बॉस होस्ट करने वाली प्रोडक्शन कंपनी और कलर्स जिस चैनल पर बिग बॉस आता है के हाथों में होता है। सलमान खान ने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि वे जानबूझकर फोन का जवाब नहीं देते हैं। सलमान ने कहा, शो के मेकर्स ने कुछ रूल्स बनाए हैं, वे मेरी क्या किसी की बात नहीं सुनते हैं। मैंने एक बार एक शख्स के लिए सिफारिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उस वक्त के बाद मैंने कभी किसी की सिफारिश नहीं की। इसी के साथ